क्रिकेट ऑन लूप, मैं हूँ रुहान अदीम और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जो सेकंड टेस्ट मैच हुआ पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में, उसके बारे में जो मुल्तान में खेला गया। और बहुत सी बातें हो रही हैं इस मैच के बारे में। जाहिर है पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में बात करेंगे, थोड़ा डाइसेक्ट करेंगे बैटिंग को, क्या इश्यूज हैं जो सरफेस पे आए, और ऑफकोर्स सरफेस की भी हम बात करेंगे, दैट पिच दैट हैज बीन टॉक्ड अबाउट अ लॉट। मिडपिंडी के पिच के बाद अब मुल्तान की पिच किस तरह डिफरेंट थी, क्या कंडीशंस थी, बॉलर्स को बेनिफिट हुआ, क्या ओवरऑल स्ट्रैटेजी रही पाकिस्तान की कंसिडरिंग दीज कंडीशंस। सो वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेंट ऑन इन दैट सेकेंड टेस्ट मैच। एंड ऑफ कोर्स मूविंग फॉरवर्ड वी विल प्रीव्यू द थर्ड टेस्ट मैच दैट बिगिंस दिस सैटरडे इन कराची। सो ऑल ऑफ दैट इन स्टोर फॉर यू इन टुडेज एपिसोड ऑफ क्रिकेट ऑन लूप। मेरे साथ हैं एज ऑलवेज मजर अरशद। हेलो मजर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस येट अगेन। अ लॉट टू डिस्कस इन दिस टेस्ट मैच दैट जस्ट एंडेड। नॉट टू मेनी पॉजिटिव्स फॉर पाकिस्तान, बट लेट्स स्टार्ट विद दैट वन पॉजिटिव दैट एवरीवन हैज बीन टॉकिंग अबाउट, अब्रार अहमद। व्हाट अ फाइंड ही इज। हमें कब से पता था इनके बारे में, बट इट टुक अ व्हाइल फॉर हिम टू रियली मेक हिमसेल्फ नोन। हाउ स्पेशल वाज दैट डेब्यू? देखें, जो पाकिस्तान उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था बिल्कुल उन्होंने वैसा ही परफॉर्म किया। और 43 विकेट्स उनकी सीजन में भी थी कैरिज़म ट्रॉफी में, और उससे पहले भी काफी सीजन से जो है वो रेड बॉल क्रिकेट में वो सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो, दोनों में वो परफॉर्म कर रहे थे। इट वॉज एक्चुअली वेरी सरप्राइजिंग कि जो फर्स्ट टेस्ट मैच था उसमें पाकिस्तान ने उनको नहीं खिलाया, और मेरा ख्याल है कि इस मैच के बाद पाकिस्तान को थोड़ा फील हुआ होगा कि वो एक काफी बड़ी जो है मिस्टेक थी। पाकिस्तान ये सिलेक्शन के हवाले से जो है वो काफी जगहों के ऊपर उन्होंने रिसेंट टाइम्स में गलतियां की हैं। इवन इन द T20 वर्ल्ड कप द गेम अगेंस्ट इंडिया, उसके अंदर भी आप देखेंगे फोर्थ फास्ट बॉलर को नहीं खिलाया, और फिर जब वसीम जूनियर आए तो पाकिस्तान स्टार्टेड टू विन द गेम्स। तो आई थिंक के थोड़ा सा सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, आई मीन टीम सिलेक्शन जो है आपकी प्लेइंग 11, उसमें जो है वो पाकिस्तान ने कुछ गलतियां की जिसकी वजह से पाकिस्तान ये सीरीज भी हार गया। बट आई मीन टॉकिंग अबाउट अब्रार, इट वॉज एक्सपेक्टेड के जिस तरीके के वो बॉलर हैं, जिस तरह की वो बॉलिंग करते हैं, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर एनी ओपोनेंट्स टू रीड हिम, क्योंकि उनके पास कैरम बॉल भी है, उनके पास गुगली भी है, उनके पास वो अक्सर जो है लेग ब्रेक बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो आई थिंक के उनकी जो परफॉर्मेंस थी, 11 विकेट्स, पाकिस्तान की हिस्ट्री के सिर्फ दूसरे ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू के ऊपर 11 आउट किए। और इससे पहले सिर्फ मोहम्मद जाहिद थे जिन्होंने 1996 में जो है वो 11 आउट किए थे, और पहले ही दिन 7 आउट करना आई थिंक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बहुत कम पाकिस्तान के ऐसे बॉलर्स हैं जिन्होंने 7 आउट किए हो पहले ही दिन मैच की। अब्दुल कादिर ने 1987 में 9 आउट किए थे जो कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। तो आई थिंक बिल्कुल के पाकिस्तान को, जैसा कि आपने कहा कि बहुत कम पॉजिटिव थे, लेकिन अब्रार जो है वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव थे पाकिस्तान के लिए। नो डाउट। और बॉलिंग की जहां तक बात हम करें, मतलब वी ऑल न्यू के हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो बॉलिंग की तरफ से जो हमारी शॉर्टफॉल्स थी वो थोड़ी सी एक्सपेक्टेड थी। बट व्हाट डू यू थिंक वेंट रॉन्ग विद द बैटिंग? बिकॉज हमने पहली इनिंग्स में भी बिल्कुल कैपिटलाइज नहीं किया उस सिचुएशन को। वी डिड नॉट रियली प्ले। हमने पहले सेशन से ही ऐसा लग रहा था कि एक हमने बहुत इजीली लिया हुआ है, खास तौर पे जितनी डीप इंग्लैंड की बैटिंग है। पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रेटेजी आपको क्या लग रही थी इस मैच में, और क्या था जो नहीं अचीव हो पाया? आई थिंक फर्स्ट इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग काफी खराब थी। सेकंड इनिंग्स में हम ज्यादा ब्लेम नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप किसी भी टीम को कहेंगे आपने 350 रन चेस करने हैं तो 90 to 95% ऑफ द टाइम्स दे विल लूज द गेम। टेस्ट क्रिकेट में 350 का टारगेट चेस करना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी एंटायर हिस्ट्री में, जो कि 70 साल की हिस्ट्री है, उसमें सिर्फ एक बार ही 350 से ज्यादा चेस किया, और पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर कभी भी इतना बड़ा टारगेट चेस नहीं हुआ। तो उसमें आई थिंक हम बैटिंग को ब्लेम नहीं दे सकते। 300 रन उन्होंने फिर भी किए। हाँ, जो फर्स्ट इनिंग्स थी जहाँ पे बाबर आजम आउट हुए, वहां पे पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स कर गई एंड दे लॉस्ट द लास्ट 8 विकेट्स फॉर जस्ट 60 रन। तो वो जो है एक एक डिफरेंस आया बाद में। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा, आई नो कि ये थोड़ा सा अनपॉपुलर ओपिनियन है, पाकिस्तान ये वाला मैच भी अपनी बैटिंग की वजह से नहीं हारा, आप अपनी बॉलिंग की वजह से हारे हैं। आप एक बॉलर के ऊपर जो है वो अपनी सारा प्लान नहीं कर सकते कि वो हमें 10-11 आउट करके देगा और बाकी जो बॉलर्स हैं वो कुछ भी नहीं करेंगे। अब्रार ने पहली इनिंग्स में 7 आउट किए, उसके बावजूद इंग्लैंड की टीम ने तकरीबन 300 रन कर दिए, 290 किए उन्होंने। तो 7 आउट अगर आपका एक बॉलर कर रहा है तो आपको अगली टीम को 200 के अंदर अंदर आउट करना है। इसका मतलब यह है कि आपके बाकी बॉलर्स हैं
उन्होंने कुछ किया ही नहीं। और जो सबसे अलार्मिंग एक पाकिस्तान के लिए स्टैट और फैक्ट है वो ये है कि 35 साल में, मेरी पैदाइश से भी पहले की बात है, हो सकता पता नहीं आपकी पैदाइश से पहले की बात है कि नहीं, लेकिन 35 साल में जो है पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने पहली बार भी विकेट नहीं ली, जो कि एक बहुत डैमिंग फैक्ट है। That is really a very interesting fact, मज़र. लेकिन चले, बैटिंग की बॉलिंग को हम लोगों ने डिसेक्ट काफी कर लिया है, बट नाउ लेट्स लुक एट द ओवरऑल टेस्ट सीजन जो पाकिस्तान का गया है. नॉट टू ग्रेट, नॉट टू मेनी विन्स. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग्स में, उस फाइनल तक पहुंचने की रेस में इस वक्त पाकिस्तान कहाँ पे है? हाउ बैड डू थिंग्स लुक फॉर द टेस्ट टीम राइट नाउ? देखिए चांसेस तो ऑलमोस्ट खत्म है, अब वही है इफ्स एंड बट्स, बहुत ही अनलाइकली सिनेरियो है जो कि नहीं होता वो नजर आ रहा। आई नो कि पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में पहुंच गया था एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन के बावजूद, लेकिन अब पाकिस्तान अगर अपने अगले 3ों मैचेस जीत भी जाता है, विच इज अगेन अनलाइकली, जो जिस तरीके से टीम परफॉर्म कर रही है वो भी मुश्किल है, तो पाकिस्तान के मैक्सिमम जो है वो 55% पॉइंट्स होंगे। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, उनकी सीरीज बाकी है तो वो जो है पाकिस्तान से ऊपर जा सकती हैं, तो अब पाकिस्तान के जो चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट जो हैं वो खत्म हो गए हैं फाइनल में जाने के लिए। अच्छा, हम अब अगर टेस्ट सीजन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अभी हम सुनने में आया, न्यूज आई है कि पिंडी की जो पिच है उसको डीमेरिट पॉइंट्स दिए गए हैं फ्रॉम आईसीसी. हाउ बैड इज दैट लुक, यू नो, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि टीम्स जो है वो इतने सालों के बाद पाकिस्तान टूर करना शुरू हुई है, टेस्ट सीरीज हो रही है, लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में भी ये प्रॉब्लम देखी है, अब इंग्लैंड के साथ भी. तो क्या बड़ी टीम्स जो है वो अब पाकिस्तान में टेस्ट खेलने से थोड़ा सा हेजिटेंट जरूर होंगे, कंसिडरिंग कि ये बैक टू बैक हमें डीमेरिट पॉइंट्स मिले हैं? देखें काफी मतलब के इसके ऊपर जितनी भी काम जितनी भी इसके ऊपर बात की जाए वो कम है, क्योंकि इट्स बैड फॉर क्रिकेट, इट्स बैड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कि आपकी जो क्रिकेट है वो अच्छे तरीके से मार्केट नहीं हो रही अगर इसी तरह के मैचेस होते रहे। ये वाला मैच भी इंग्लैंड ने उसको इंटरेस्टिंग बनाया, अगर इंग्लैंड चाहता तो वो बिल्कुल, इजिली मैच एक दोनों ड्रॉ तरफ जा सकता था, जिस तरह के लास्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया आया तब हुआ था। ऑलरेडी टेस्ट क्रिकेट स्ट्रगल कर रही है ऑडियंस के लिए, ज्यादा लोग नहीं देखते, और फिर अगर इस तरह की पिचेस बने तो आई थिंक इट्स बैड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और आई आई थिंक कि ना सिर्फ वेन्यू को पॉइंट्स लूज होने चाहिए बल्कि जो टीम्स हैं, जो होम टीम है उसके भी पॉइंट्स लूज होने चाहिए। पहले टेस्ट चैंपियनशिप नहीं होती थी तब ये डीमेरिट पॉइंट सिस्टम आया था, अब क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें हर टीम को पॉइंट्स मिलते हैं, तो अगर आपकी जो होम टीम है वो अगर अच्छी पिच नहीं बना रही, वो अगर एक खराब पिच बना रही है, तो उस टीम के पॉइंट्स लूज होने चाहिए, सारे नहीं लेकिन कुछ इस तरह की पेनल्टी होनी बिल्कुल. चाहिए, 2 या 3 पॉइंट्स लूज हम काउंटी चैंपियनशिप में भी देखते हैं। तो फिर पाकिस्तान ने आगे काफी हाई प्रोफाइल क्रिकेट होस्ट करनी है, चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान में और काफी इंटरनेशनल टूर्स हैं, एशिया कप भी है, तो अब अगर दोबारा अगर इस पिच को लेट्स से कि अगर अभी तो बिलो एवरेज की रेटिंग मिली है, लेकिन अगर लेट्स से कि अभी न्यूजीलैंड की टीम ने आना है तो यहाँ पे कुछ लिमिटेड ओवर्स मैचेस होंगे अप्रैल मई में, तो अगर इसको कोई पुअर रेटिंग मिल गई तो 3 पॉइंट्स उसके आपको मिलेंगे, 3 डीमेरिट पॉइंट्स, 2 ऑलरेडी हैं, तो अगर 5 पॉइंट्स हो गए तो ये ग्राउंड 1 साल के लिए बैन हो जाएगा। ऑलरेडी पाकिस्तान के पास ग्राउंड्स बहुत कम है, और आपका अगर एक ग्राउंड 12 के लिए बैन हो जाए तो इट विल बी वेरी डैमिंग फॉर द कंट्री। तो आई थिंक के पाकिस्तान को थोड़ा सोचना होगा कि थोड़ा डिफेंसिव माइंडसेट से बाहर निकले और रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस बनाए, जिस तरह की हमने मुल्तान में देखी है। बिल्कुल, एंड इट विल बी अ रियल शेम फॉर द पिंडी फैंस एज वेल, जो कि हमेशा इतने इतने ह्यूज नंबर्स में आते हैं टू वॉच द गेम्स. आई थिंक दे ऑल डिजर्व टू वॉच अ वेल बैलेंस्ड कॉन्टेस्ट. सो लेट्स होप कि ये जो सिलसिला है पिच का, ये आगे कंटिन्यू ना हो, एज यू सेड. मज़ा, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू पॉइंटेड आउट अर्लियर एज वेल, कि काफी ज्यादा डेब्यूज हुए इस बार पाकिस्तान के इस सीरीज में, और पीपल आर स्टिल सेइंग कि यू नो, हमें ये वाले प्लेयर्स जो है इनको रिप्लेस किया जाए, कुछ नया ब्लड लेके आए, बट ऑलरेडी देर इज सो मच यंग ब्लड प्रेजेंट इन दिस टेस्ट टीम. ये क्या अप्रोच है पाकिस्तान की? यू नो, इफ यू लुक एट द टेस्ट साइड, व्हाट वुड यू से अबाउट दिस अप्रोच? देखिए रोहा, मैं नंबर्स के ऊपर बाद में आऊंगा, पहले मैं ये बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान में जो ओपिनियंस हैं वो सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, वो सिर्फ इस हद तक होते हैं कि फलां प्लेयर को खिला लो, फलां प्लेयर के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है। अगर आप इस एलिमेंट को निकाल दें तो हमारे मोस्टली जो एक्सपर्ट्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर हो या कहीं पे भी हो, दे हैव नथिंग टू टॉक अबाउट क्रिकेट, उनके सारे ओपिनियंस इस तरह के होते हैं कि फलां प्लेयर के साथ ज्यादती हो रही है आप उसको लेकर आए।
फैक्ट्स ये हैं और फैक्ट्स बहुत ही अलार्मिंग हैं कि सिंस 2021 जब से पाकिस्तान की एक वो नई सिलेक्शन कमेटी भी आई है, पाकिस्तान ने 16 टेस्ट मैचेस में 12 प्लेयर्स का डेब्यू करवाया है। अगर आप इसको इन द फॉर्म ऑफ रेशियो देखें तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट, बल्कि मैं कहूंगा सबसे वर्स्ट रेशियो है डेब्यूटेंट्स को लेकर आने की। इतने ज्यादा डेब्यूटेंट्स आपके आ रहे हैं कि आप हर सीरीज के अंदर जो है वो नए प्लेयर्स को ट्राई कर रही हैं। ऑलरेडी इन दो टेस्ट मैचेस में आपने 5 टेस्ट कैप्स दी हैं। देन दूसरा जो फैक्ट है वो ये है कि सिंस 2021 अगेन पाकिस्तान ने 16 मैचेस खेले हैं और इन 16 मैचेस में पाकिस्तान ने 28 डिफरेंट प्लेयर्स को ट्राई किया है इन टेस्ट क्रिकेट। ये भी जो अगर आप रेशियो देखेंगे तो ये दुनिया में सबसे खराब है कि इतने ज्यादा प्लेयर्स को आप जब मौका दे रहे हैं 16 मैचेस में, इसका मतलब ये है कि आप किसी को भी सेटल नहीं होने दे रहे, आप किसी को भी प्रॉपर रन नहीं दे रहे। आपकी टीम में इस टाइम एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो लास्ट मुल्तान में जो टीम खेली है जिसने के 50 मैचेस भी खेले हों। दुनिया जो है प्लेयर्स के साथ पेशेंस का मुजाहरा करती है। आप जैक रॉली को देख लें, लेस देन 30 एवरेज स्टिल इन द टीम। मार्क वुड के शुरू के 10 मैचेस में जो है 40 की एवरेज थी, 7 साल लगे हैं उनको थोड़ा सा स्टेब्लिश होने में, वो आज इंग्लैंड की टीम में है। हम एक प्लेयर को लेकर आते हैं और मैं किसी प्लेयर को जो है वो सिंगल आउट नहीं कर रहा, इसमें तमाम आती हैं, उनको हम एक दो मैचेस देते हैं, उसके बाद जो है वो प्लेयर ड्रॉप हो जाता है। अगर एक एस्टेब्लिश प्लेयर हो रहा है उसकी एक दो पूरी सीरीज जाती है वो जो है ड्रॉप हो जाता है। पाकिस्तान की इस टीम का जो मुल्तान में पाकिस्तान की टीम खेली है उसका कंबाइंड एक्सपीरियंस 129 टेस्ट मैचेस का था, सिर्फ 129 का, जो कि पाकिस्तान की पिछले 40 सालों में सबसे लोएस्ट है। इवन जिम्बाब्वे और बांग्लादेश जो कि डेवलपिंग टीम्स हैं वो भी इतने कम एक्सपीरियंस के साथ नहीं खेलती। इंग्लैंड का कंबाइंड एक्सपीरियंस 535 मैचेस का था। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान को सोचना होगा कि भाई इतने इनएक्सपीरियंस साइड के साथ आप कैसे जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। और do you think कि मैनेजमेंट मैनेजमेंट जो डिसीजंस लेती है विद रिस्पेक्ट टू यंगस्टर्स कमिंग इन, do you think कि पाकिस्तानी फैंस का भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल है टू प्ले, बिकॉज एवरीबडी इन पाकिस्तान वांट्स इंस्टेंट रिजल्ट्स, इंस्टेंट परफॉर्मेंसेस, इंस्टेंट नंबर्स। तो एक हद तक पाकिस्तान के जो फैंस हैं जो क्रिकेट देखते हैं जिनकी खाक बहुत, जैसे आपने कहा, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत से होती है in in you know in in giving their opinions on the team, so I'm sure management is baat se bhi bahut effect hoti hogi ki acha abhi is player ko public ka support zyada hai aur fans jo hai wo khush nahi hai, aur baaki badi teams mein is tarah nahi hota, kahin pe duniya mein aisa nahi hota. Ji roha, thanks for helping me out. Aapne wo word use kar liya jo ki main jo hai mere zehen mein nahi aa raha tha कि पाकिस्तान को वाकई इंस्टेंट रिजल्ट्स और इमीडिएट रिजल्ट्स की जरूरत है जिसकी वजह से पाकिस्तान इतनी ज्यादा चेंजेस करता है। पाकिस्तान कभी भी फ्यूचर का नहीं सोचता कि हमने प्लेयर को जो है वो पहले एस्टेब्लिश करना है। आपने बिल्कुल ठीक इसको पॉइंट आउट किया, और ये जो आपने बात की कि फैंस और सोशल मीडिया, ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टीम जो स्ट्रेटेजी है या जो जो सिलेक्शन होती है उसमें एक रोल प्ले कर रहा है। और ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, यूनुस खान जब पाकिस्तान के बैटिंग कोच थे उन्होंने ये बात ऑन रिकॉर्ड की हुई है कि जब मीडिया के ऊपर किसी प्लेयर के ऊपर बात होती है, हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है तो हमें जो है फिर उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। अभी आप ये देखें कि मोहम्मद रिजवान फॉर एग्जाम्पल एक प्लेयर है, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के जो बेस्ट विकेट कीपर बैटर्स आए हैं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट कीपिंग एंड बैटिंग, उसमें जो है शायद ही उनसे बेहतर कोई प्लेयर आया हो। पास में कुछ प्लेयर्स होंगे जिनकी कीपिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी, लेकिन एज ए कंप्लीट पैकेज आप देखें तो एक जबरदस्त जो है वो कीपर है। ठीक है, उनके 3-4 मैचेस बुरे गए हैं, लेकिन आप ये देखें कि क्या आपने कोई उनको कैच ड्रॉप करते हुए देखा है? अगर विकेट कीपर की कीपिंग नोटिस में नहीं आ रही, ऑब्जर्व नहीं हो रही, उसकी कीपिंग के ऊपर बातें अगर नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि ही इज डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब, क्योंकि कीपर नॉर्मली तभी नजरों में आता है जब वो भी कैच ड्रॉप करता है। तो इतनी जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस है। और बैटिंग में भी देखें, वो टेस्ट क्रिकेट में आप विकेट कीपर बैट्समैन से 35-40 की एवरेज ही आप उससे, आपके प्लान में ये होता है कि हमें इतने रन करके देगा, आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो आपको 50 की एवरेज से रन करके देगा। उनके ऊपर बातें हो रही है कि जो उनको ड्रॉप कर दिया जाए। तो अब एक जो है इमामुल हक जो है वो रन कर रही है, उनके ऊपर बातें हो रही है जी कि ये सिर्फ रावलपिंडी में जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। आप एटलीस्ट किसी को एस्टेब्लिश तो होने दें, उनको एक लंबा रन दें। इतनी ज्यादा पाकिस्तान चेंजेस करता है और उसका आज नतीजा ये मिल रहा है कि पाकिस्तान के पास एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने के 50 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसका जो इफेक्ट है वो सारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे हमारी परफॉर्मेंस पे पड़ रहा है, उसकी रैंकिंग्स पे पड़ रहा है, जिसके लिए बाकायदा आपको 3 या 4 साल की प्लानिंग करनी होती है, आपको टीम उस तरह से बनानी होती है। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम के जो फैंस हैं वो भी अंडरस्टैंड करेंगे ये, स्पेशली इस फॉर्मेट में
आपको टाइम चाहिए टू गेट द रिजल्ट्स दैट यू वांट एंड नॉट एवरीथिंग कैन बी इमीडिएट. लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड टेस्ट मैच नाउ मजर. अ लॉट ऑफ चेंजेस आर नीडेड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी एंड अप्रोच फ्रॉम पाकिस्तान. बाबर आजम ने भी ये बात कही कि हम लोगों की बैटिंग भी लैकिंग थी, बोलिंग भी हमने उस तरह से कैपिटलाइज एक्सेप्ट फॉर अबरार ऑफ कोर्स. अब गोइंग इनटू द थर्ड एंड फाइनल टेस्ट मैच, सीरीज तो हम हार गए हैं, डू यू थिंक पाकिस्तान विल मेक अ बिग चेंज इन देयर बैटिंग स्ट्रैटेजी? डू यू थिंक दे विल बी गोइंग फॉर अ मोर रिस्की अप्रोच एंड दे शुड, डोंट यू थिंक? मुझे तो यही लगता है कि आई थिंक अप्रोच जो है वो थोड़ी रिस्की होनी चाहिए, थोड़ी इंग्लैंड से इंस्पायर्ड होनी चाहिए. व्हाट डू यू थिंक? देखें, एक तो ये है कि बैटिंग ऑर्डर बाबर आजम को अपना चेंज करना होगा। बाबर आजम जब नंबर 3 के ऊपर आते हैं टेस्ट क्रिकेट में तो उनकी एवरेज 30 की है, जब वो नंबर 4 के ऊपर आते हैं तो उनकी एवरेज 60 की है। मैसिव डिफरेंस, क्योंकि जो नंबर 3 बैट्समैन होता है उसको ज्यादा मुश्किल सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बाबर आजम उस सिचुएशन को फेस नहीं कर सकते, लेकिन उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी अगर वो नंबर 3 के ऊपर आएंगे। इस वजह से अजहर अली का जो पास में एक रोल था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। वो बेशक 30-40 के एवरेज से रन करते थे, लेकिन वो जो एक सपोर्ट देते थे नंबर 4 बैट्समैन को, वो शायद अब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता उस चीज का आइडिया हो जाए। तो आई थिंक जो करंट आपका स्क्वाड है, जो आपने करंट जो आपने 15-16 प्लेयर सेलेक्ट किए, इन्हीं में से जो है आपको चेंजेस करना होंगे। आपको बाहर से कोई प्लेयर लाने की जरूरत नहीं है। आप आई थिंक पाकिस्तान का इस टाइम जो एक आइडियल कॉम्बिनेशन बन रहा है वो ये है कि बाबर को आप वापस 4 के ऊपर करें और रिजवान जो है वो भी 6 के ऊपर जाएं, और आप ओपनिंग में जो है वो शान मसूद और इमामुल हक को जो है उसका आप जा सकते हैं। अब्दुल्ला शफीक को आप नंबर 3 के ऊपर लेके जाएं। आई नो कि होम कंडीशंस में अब्दुल्ला शफीक नंबर 3 पे खेल रहे हैं, लेकिन अगर आप इनका लॉन्ग रन देखें, पाकिस्तान ने आगे साउथ अफ्रीका जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, आई थिंक ये अब्दुल्ला शफीक ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं नंबर 3 के ऊपर। इन सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में ये चीज अभी जो है शायद आप लोगों को नजर ना आए, लेकिन अब्दुल्ला शफीक की जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा हो सकती है नंबर 3 के ऊपर। तो अगर इमाम शान आपके ओपनर है नंबर 3 पे, अब्दुल्ला 4 पे, बाबर 5 पे, साउथ शकील और 6 के ऊपर मोहम्मद रिजवान, आई थिंक ये पाकिस्तान आइडियल बैटिंग कॉम्बिनेशन बनता है। और ये आई थिंक पाकिस्तान के भी जेन में ये चीज होगी कि बाबर आजम जब भी नंबर 3 के ऊपर आए उनसे ज्यादा रन नहीं हुए। तो आई थिंक ये वाला जो मसला है ना वो पाकिस्तान को हल करना है। एंड व्हाट अबाउट द बोलिंग? वहां पे क्या चेंजेस रिक्वायर्ड हैं इन टर्म्स ऑफ यू नो अबरार? तो हमें पता है ही हैज, बट जैसे आपने मेंशन किया कि सारी जो स्ट्रेटजी है वो एक ही बॉलर के अराउंड बनाई हुई नजर आ रही थी. व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तान विल बी लुकिंग टू डू विद द बॉल? देखिए रोहा, ये डिपेंड करता है कि कराची की पिच जो है वो कैसी होगी। मुल्तान में तो आपने एक थोड़ा सा टर्निंग पिच बनाई तो आपने 3 स्पिनर डालिए। अब आई एम नॉट श्योर कि पाकिस्तान कराची में भी 3 स्पिनर के साथ खेल सकता है कि नहीं। आप लिटरली ये वाला जो मैच है वो एक फास्ट बॉलर के साथ खेल रहे थे, एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर के साथ, आई मीन नो फहीम अशरफ, लेकिन उनकी एशिया में इफेक्टिवनेस उतनी ज्यादा नहीं है बॉलिंग से। इज अ वेरी गुड बैट्समैन, बट आप अपनी बॉलिंग को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज यू वांट टू हैव अ बैट्समैन एट नंबर 7 और नंबर 8। तो एक तो आई थिंक वसीम जूनियर को जो है वो वापस आना होगा, क्योंकि कराची पाकिस्तान बेस्ट क्रिकेट ग्राउंड है इन टर्म्स ऑफ रिवर्स स्विंग, वहां पे बॉल रिवर्स स्विंग होता है। तो वसीम जूनियर आई थिंक उनको खेलना चाहिए, उनके साथ आप मोहम्मद अली को आप खिलाएं, कंटिन्यू करें, अबरार होंगे उनके साथ। और आप चले, वैसे तो मेरा ख्याल है कि सब कॉन्टिनेंट में फहीम अशरफ को नहीं होना चाहिए प्लेइंग 11 में, लेकिन आप क्योंकि आपके पास अगर कोई और ऑप्शंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ फास्ट बॉलिंग, सारे प्लेयर्स इंजर्ड हैं, तो आप फहीम अशरफ को जो है वो जाहिद की जगह आप उनको रख सकते हैं। तो आई थिंक ये जो है वो पाकिस्तान का एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। आपके पास स्पिनर्स भी होंगे इन द फॉर्म ऑफ अबरार एंड नवाज, सीमर्स होंगे वसीम जूनियर एंड मोहम्मद अली, और फहीम जो है वो आपके 5वें बॉलर बन सकते हैं। ये अभी तक है, अगर कोई पिच अगर डिफरेंट हो जाती है तो फिर ऑब्वियसली आप 3 स्पिनर्स भी, देन फहीम अशरफ जो है आप उनको बाहर कर सकते हैं। आगा सलमान के इर्द गिर्द भी आप चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक अगर नंबर 6 के ऊपर वान आ रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको आगा सलमान को जो है वो प्लेइंग 11 में रखने की जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मजर, एंड ऑल आईज ऑन द थर्ड एंड फाइनल टेस्ट मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड पाकिस्तान टू बी प्लेड इन कराची। सो ऑल द आईज विल बी ऑन दैट पिच ऑफ कोर्स, एंड पाकिस्तान के डिफरेंट स्ट्रेटजीज क्या होंगी। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग क्रिकेट ऑन लूप, एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम. Thank you.